आज हम कच्ची केरी का खट्टा मीठा अचार बनाने जा रहे हैं। यह अचार खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यह अचार मैं बहुत ही कम समय 5 मिनट में बनाने जा रही हूँ। अब हम चलो इसकी बनाने की सामग्री देखते हैं। ये 200 ग्राम कच्ची आम भी है, आधा टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून काला नमक, आधा टीस्पून सफ़ेद नमक, ये चौथाई टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, ये कलौंजी और सौंफ और 2 चम्मच चीनी। चलो अब हम अचार को बनाते हैं। सबसे पहले हमने गैस स्टोव को जलाया है और इसमें एल्युमिनियम की कढ़ाई रख के 2 टीस्पून ऑयल डालते हैं। जब तक ऑयल गर्म होता है हम इसे गर्म होने तक चेक करते रहते हैं। अभी हमारा तेल देख रहे हैं गर्म हो चुका है। देखिए ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हम सौंफ और कलौंजी डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अभी हमारा गैस फ्लेम मीडियम आंच पे है। ये गोल्डन ब्राउन होने लग गया है। अब इसमें हम चुटकी भर हींग डाल देते हैं जिससे अचार बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसके बाद हम हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी भून जाए उसके बाद हम कच्ची आंबी, कच्ची केरी डाल देंगे और इसे हम चम्मच की सहायता से हिलाते रहेंगे, क्योंकि नहीं हिलाने पर यह नीचे से जल भी सकता है, इसलिए ये बराबर हिलाते रहना चाहिए। और जब तक सॉफ्ट ना हो तब तक इसे मीडियम आंच पर पकाते रहना चाहिए। अब हमारा केरी धीरे धीरे पकनी शुरू हो गई है, सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसमें हम चीनी ऐड कर देते हैं जिससे कि अचार खट्टा मीठा हो जाए। अब हमारी चीनी भी मेल्ट होने लग गई है तो इसे हमें बराबर चम्मच की सहायता से चलाते रहना चाहिए जिससे कि चीनी कढ़ाई के चिपके नहीं। अब हम इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं। अब अचार अच्छे से पकने लग गया है। अभी हमारा अचार थोड़ा टाइट है। अभी हमें इसे थोड़ी देर और हिलाते रहना है जिससे कि अचार अच्छे से पक जाए। देखिए अचार अपना तेल छोड़ने लग गया है। अब इसमें लाल मिर्च डाल देंगे। कलर भी कितना अच्छा आ गया है। अब ये गरम मसाला है, इससे अचार बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। देखिए ये अचार हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम एक चम्मच की सहायता से इसे चेक कर लेते हैं। देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट तैयार अचार हो गया है। अब हम इस अचार को हम एक बॉल में डाल देते हैं। देखिए ये हमारा
केरी का अचार कितना सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनकर तैयार हो गया है।